हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर सेकंड ऑफ द क्लास 11th केमिस्ट्री. द नेम ऑफ चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम और वी कैन से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड इन 1909 अलोंग विद हिज स्टूडेंट परफॉर्म अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड बम्बार्डेड थिन फॉयल्स ऑफ द हैवी मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड कॉपर विद द बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, जो रदरफोर्ड है इन्होंने क्या है एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय विच ही knowing the relative positions of electrons and proton within the atom. ठीक है, तो इन्होंने इनका क्या है मेजर रोल था, जिन्होंने क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की पोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी. ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने क्या किया हैवी मेटल्स ली लाइक गोल्ड. ठीक है, तो और उनको क्या है उनमें से क्या है जो आपकी अल्फा रेज है, फास्ट मूविंग अल्फा रेज है, उनको पास किया. दी गोल्ड फॉयल हैड सर्कुलर फ्लोरिसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट. व्हेनेवर एन अल्फा पार्टिकल स्टक ऑन द स्क्रीन ए टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे एक लेड सोर्स लिया. ठीक है, यहाँ पे क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो हैवी एलिमेंट क्या होता है, अनस्टेबल एलिमेंट या हैवी एलिमेंट, हैवी न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे अनस्टेबल जो एलिमेंट होता है आपका, तो उसमें से क्या है अल्फा बीटा गामा रेज आपकी रिलीज होती है, उनको क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट. अब हमने क्या है रेडियम लिया. ठीक है, उसमें से क्या है अल्फा रेज आपकी पास हो रही है, यहाँ पे एक स्लिट ली. ठीक है, लेड प्लेट, तो यहाँ से क्या है ये स्लिट क्या है इसके बीच में होल है. ठीक है, तो यहाँ से क्या है टू स्लिट्स है, तो इनके बीच में स्पेस है, तो यहाँ से क्या है रेज आपकी अल्फा रेज क्या है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. अल्फा रेज हमने प्रॉपर्टीज भी स्टडी की है, अल्फा क्या होती है जिस भी एलिमेंट से आपके एक साथ दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपके रिलीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, पार्टिकल एमिशन. मीन्स ये क्या है हीलियम 2, 4, मतलब इनके ऊपर चार्ज कितना है 2 और जो मास होता है अल्फा रेज का वो 4 AMU. ठीक है, तो आपने क्या किया इन पार्टिकल्स को क्या है जो अल्फा पार्टिकल्स है उनको पास किया गोल्ड की फॉयल से, ये है आपकी गोल्ड फॉयल. ठीक है, सेंटर में, और यहाँ पे क्या है सर्कुलर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है इस सर्कुलर वे में. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही पास होती है तो यहाँ पे क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, जिस भी पॉइंट पे क्या है आपकी पॉइंट लाइट स्ट्राइक करती है. ठीक है, तो वो क्या क्या है स्क्रीन के ऊपर क्या करती है, स्क्रीन के ऊपर टाइनी फ्लैश लाइट प्रोड्यूस कर देती है उस पॉइंट पे. ठीक है, जिस भी पॉइंट पे ये क्या है स्ट्राइक करेगी वहाँ पे क्या है लाइट प्रोड्यूस कर देगी. ठीक है, तो उन्होंने क्या है क्या ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से. ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आर गिवन बिलो. ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड. उन्होंने क्या है देखो गोल्ड की फॉयल ली. ठीक है, वी नो दैट एनी मैटर मेड ऑफ ऑफ वेरियस एटम्स. ठीक है, तो उन्होंने क्या की गोल्ड की फॉयल में से यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पास किए. ठीक है, ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या है वन एटम लेंगे. ठीक है, वन एटम में क्या है जब अल्फा पार्टिकल को पास किया तो मैक्सिमम रेज क्या है आपकी पास हो रही थी. ठीक है, एटम में से मैक्सिमम रेज आपकी क्या है पास हो रही थी. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी उनकी कि मैक्सिमम अल्फा रेज पास थ्रू द गोल्ड फॉयल आर अनडिफ्लेक्टेड, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, वो सीधी जा रही थी. मीन्स आपका जो एटम है उसमें क्या है मैक्सिमम
जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या था, इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी। मीन्स कंक्लूजन क्या निकला कि जो अनडिफ्लेक्ट होके जा रही है सभी रेज, वहाँ पे क्या है आपका स्पेस एम्प्टी है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या देखा उन्होंने, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, मैक्सिमम तो क्या है आपकी पास हो रही है, ठीक है, लेकिन जो कुछ एक रेस आपकी क्या है डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से क्या है डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, स्मॉल एंगल में क्या है डिफ्लेक्शन हो रहा है। इट इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। अब आपको पता है अल्फा रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो बिल्कुल सेंटर पे जाके क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है जो सेंटर पे आपकी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो सेंटर में है देयर इज़ सम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तभी तो ये क्या है सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या है रिपल कर रहा है और यहाँ से क्या है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सम पॉजिटिव चार्ज देयर इज़ प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे क्या है कुछ एक पॉजिटिव चार्ज आपका प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स सेंटर पे आपके क्या है स्मॉल अमाउंट, मतलब जो स्पेस में है एटम के वो क्या है पॉजिटिव चार्ज या वी कैन से प्रोटोन आपके प्रेजेंट है विद इन द सेंटर। लास्ट जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी, ए अल्फा ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक डिफ्लेक्टेड बाय द 180 एंगल। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो सेंटर में है आपके, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर से आपके पास हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से जो तो सेंटर के क्या है नज़दीक से वो इतनी आपकी डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आपका प्रेजेंट है, फील्ड एराइज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है जहाँ सेंटर पे जा रही तो उसी 180 डिग्री पे वो वापस आ रही है, जो यहाँ से गई स्ट्राइक की और ये वापस आ गई। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो एटम है मैक्सिमम स्पेस तो इसका क्या है एम्प्टी है, वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से आ गया। फिर उन्होंने जो समय जो आपकी कुछ एक रेज क्या है डिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ से देखा कि कुछ क्या है पॉजिटिव फील्ड है सेंटर में, तभी ये यहाँ पे क्या है डिफ्लेक्शन हो रहा है। लास्ट उन्होंने क्या किया, जब सेंटर पे स्ट्राइक किया तो रेज आपकी वापस डिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स यहाँ पे आपका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग या मतलब छोटे वॉल्यूम में आपका बहुत चार्ज या प्रोटॉन प्रेजेंट है, हैवी मास है जिसका। ठीक है, वो क्या है विद इन द एटम आपके स्मॉल स्पेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तभी आपका क्या है ये रे क्या है डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मीन्स जो सेंटर में हैवी मास प्रेजेंट है, रदरफोर्ड ने इसको बाद में नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है एक अपना मॉडल दिया। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने कंक्लूजन और आपका एक्सपेरिमेंट किया और कंक्लूजन निकाला, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकाला, ठीक है, उसके बेस पे उन्होंने अपना एक मॉडल ऑफ एटम दिया कि किस टाइप से अरेंजमेंट है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और आपके जो भी प्रेजेंट है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट जो है मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर सेंटर्ड इन इस वेरी स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। फर्स्ट उन्होंने ऑब्जर्वेशन से जो मॉडल दिया है एटम का, तो उन्होंने क्या क्या बोला कि जो एटम्स हैं उनके जो सेंटर में है, सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें क्या है प्रोटोन और न्यूट्रॉन आपके सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, और जिसको बाद में नाम दिया न्यूक्लियस का, और इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम।
रेडियस ऑफ द एटम अबाउट 10^-10 मीटर, वाइल रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10^-15 मीटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो आपका वॉल्यूम है विद इन द न्यूक्लियस का नेग्लिजिबल किया, क्योंकि जो आपका एटम है वो क्या है, बिगर है, और जो आपका विद इन द न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में आपके प्रेजेंट है सेंटर में। ठीक है, मैक्सिमम स्पेस क्या है आपका, एम्प्टी है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व स्ट्रक्चर दी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन की। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटोन है वो न्यूक्लियस है वो क्या है, दे आर हेल्ड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ कैसे हेल्ड है, टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तभी ये क्या है, मूव कर रहे हैं विद इन द आपके सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके थॉमसन मॉडल ने उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। ठीक है, उनको नहीं पता था कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, कि उन्होंने बस एग्जैक्टली अपना व्यू दिया कि आपका जो एटम है वो पॉजिटिवली स्पेयर है और उसमें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इन्होंने क्या है, कुछ हद तक अपना मतलब एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी मतलब रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या है, एक्सपेरिमेंट से, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशन और न्यूक्लियस का पता किया कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं और आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशन के बारे में हम कल स्टडी करेंगे, आज के लिए इतना ही।